दीपाली हमारे साथ अब मौजूद है दिल्ली से बातचीत करने के लिए। दीपाली जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास IRFC के हैं 153 के रेट पे, अराउंड 600 शेयर। ओके, और सेकंड मेरा जी आगे सेकंड मेरा NHPC के लिए है, वो मेरे पास 90G के रेट पे अराउंड 1400 शेयर हैं। तो दोनों में आप समय क्या दे सकते हैं दीपाली जी? मैं अराउंड 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीने दे सकते हैं। सर्वेंद्र, IRFC और NHPC दोनों खरीदारी इनकी हाल की हैं और दोनों के दोनों बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मर रहे हैं हाल फिलहाल में, अभी क्या करें? ये नजरिया इनका 6 से 8 महीने का है। देखिए, 6 से 8 महीने का नजरिया है तो अपने कॉस्ट प्राइस से आई थिंक 6-7% आइडली 1-7% के आसपास, कहीं 8% के आसपास एक स्टॉप लॉस इनको लेके चलना चाहिए। मैं जो 3 महीने के इनके नीचे के दायरे देख रहा हूँ, जहाँ जो मुझे लगता है जहां तक का कहीं रिस्क है, तो आई थिंक IRFC में तो उनका 134 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर ये 6 महीने के लिए होल्ड करना चाह रही है। और सेम वेज आई थिंक इनके पास एक NHPC में भी इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए तकरीबन 85-86 के आसपास। तो दोनों में स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहें तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए आई थिंक ये स्टॉप लॉसेस प्रॉपर रहेंगे। ओके, तो आप 6 से 8 महीने अगर होल्ड करना चाह रहे तो आपको स्टॉप लॉस बताए गए हैं, आप उसके हिसाब से रणनीति बनाइए। लेकिन दीपाली जी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये दोनों शेयर चले बहुत हैं, तो अब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा क्लोजली रखना होगा, उन स्टॉप लॉस साथ ही आप फॉलो करिएगा अपनी पोजिशन को। अब